जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों आज जो कि सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इसी के साथ ही यह दिन शुक्र ग्रह से भी जुड़ा होता है, जिसे जीवन में वैभव, भौतिक सुख सुविधाओं, धन और प्रेम का कारक माना जाता है। इन दोनों की कृपा बनी रहे तो घर में सुख शांति के साथ धन संपत्ति का वास होता है। लेकिन इसी के साथ ही शुक्रवार के दिन की गई आपकी कुछ गलतियां इन्हें नाराज कर सकती हैं मित्रों, जिससे जीवन में कंगाली और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें आपको शुक्रवार के दिन कतई नहीं करना चाहिए। वह कौन कौन से काम हैं, आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। साथ ही आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में दान पुण्य को बहुत ही फलदायी माना गया है, परंतु शुक्रवार के दिन चीनी का दान अशुभ होता है। चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से होने के कारण शुक्रवार के दिन चीनी का दान करने से धन धान्य में कमी हो सकती है। मित्रों कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन धन ना दें और ना ही उधार लें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस नहीं मिलता। इस दिन किसी को कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और संबंध भी खराब होते हैं। वैसे आपको कभी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी महिलाओं, कन्याओं और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा मित्रों शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन, खासतौर पर मांसाहार और मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए, अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना लें। वहीं मित्रों शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है। शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसके अलावा मित्रों किन्नरों का अपमान ना करें, ना ही किसी से अपशब्द बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बिजनेस में हानि होने लगती है, अतिरिक्त खर्चे बढ़ते हैं और परिवार के सदस्य बीमार होने लगते हैं। इसके साथ ही मित्रों कहते हैं माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। यही वजह है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन से पूर्व घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करें और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। ज्योतिष अनुसार शुक्रवार के दिन ना तो किसी को उधार देना चाहिए, ना ही लेन देन करना शुभ माना गया है, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन करने से जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मित्रों हमारे शास्त्रों में नारी को देवी माना जाता है और कहा जाता है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। वैसे तो किसी भी दिन नारी का अपमान गलत है, परंतु इस बात का खास ख्याल रखें कि शुक्रवार को भूल से भी आपसे किसी कन्या या नारी का अपमान ना हो, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपसे रूठ कर जा सकती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता निवास करने लगती है। वहीं मित्रों शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन, खासतौर पर मांसाहार और मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए, अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना लें। वहीं मित्रों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाना चाहिए और उसको सबसे पहले घर की सबसे बड़ी स्त्री को देना चाहिए।
वही मित्रों, शुक्रवार के दिन किसी से अपशब्द ना बोलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घर में अपव्यय बढ़ जाता है और लोग बीमार रहने लगते हैं। व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। इसके अलावा मित्रों, साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की भी आशंका बनी रहती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।